कौन थे वो लोग जिन्होंने इतिहास को इस चालाकी से लिखा कि एक दिन में चित्तौड़ के 40,000 हिंदुओं की हत्या करने वाला अकबर हमारे लिए महान बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए ओमेंद्र रत्नू की लिखी गई किताब महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध का परिचय लेकर आए हैं। यह किताब हमारे सामने इतिहास का वह सुनहरा पन्ना खोलती है जिसे पश्चिमी व इस्लामी विचार को और उनसे प्रेरित इतिहासकारों ने छिपा कर रखा था। किताब के नाम से ही स्पष्ट है कि यह हजार से ज्यादा वर्षों तक लगातार इस्लामी आक्रांताओं से लड़ने और उन्हें बार बार धूल चटाने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की कथा को सामने लाती है। किसी भी समाज में वहाँ के योद्धाओं की गाथाएं इतिहास का हिस्सा होती हैं। ये कथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है, लेकिन हमारे देश में इतिहास ऐसी भूमिका निभाता नहीं दिखता। यहाँ बाहर से आए आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया और समझाया जाता है। यह पुस्तक 3 खंडों में लिखी गई है। पहले खंड में बप्पा रावल से महाराणा संगा तक के इतिहास को सामने रखा गया है। इसके बाद महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह के महान इतिहास को कलमबद्ध किया गया है। तीसरा खंड इतिहास के नाम पर हिंदू समाज के साथ किए गए खिलवाड़ को उजागर करता है। बात करें इस किताब के लेखक की तो ओमेंद्र रत्नू एक ENT सर्जन है जिन्हें संस्कृति, इतिहास और धर्म के लिए भी जुनून है। वह उपमहाद्वीप में हिंदू अस्तित्व के मुद्दों पर लिखने वाले विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल के साथ एक स्तंभकार रहे हैं। डॉक्टर रत्नू की राजस्थान के इतिहास में गहरी रुचि है और उन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर कई लेख लिखे हैं। वह एक गीतकार, गायक और संगीतकार भी है। साथियों, आपको इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद महाराणा अ थाउजेंड ईयर वॉर ऑफ धर्मा भी मिल जाएगा। इन पुस्तकों को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये बुक रिव्यू पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए बुक रिव्यू के साथ। देखते रहिए प्रभात प्रकाशन। नमस्कार।